स्वागत है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आप लोग का स्वागत है एक डिप्रेस्ड दुनिया में। तो आज के दिन हम लोग इसी बात पे कुछ बहुत ही ज्यादा फनी एनिमेशन को देखने वाले हैं, जिसे देख के आप लोग बेसिकली हंसोगे एकदम मजे में। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, चलो फटाफट से पहला फनी एनिमेशन इंजॉय करते हैं। वाओ, हमारे सामने एक कितना क्यूट सा मेढक है, और एक सेकंड, उसके बगल में मेढक ही है, मेरा मतलब फीमेल मेढक। ओके, तो वो दोनों लोग एक साइंस लैब के अंदर हैं। और हाँ, तुम लोग तो जानते ही होगे, साइंस लैब में मेढक को काटा जाता है। हाँ, बेसिकली बहुत सब गंदा वाहियात होता है, पर कोई नहीं, ये साइंस लैब में मेढक को काटा जा रहा है। ये लड़की काट रही है। ओके ओके ये क्या, ये भागने की कोशिश कर रहा है। यो यो, यहाँ पे घमासान फाइट हो रहा है। ओ माय गॉड, वो चाकू इस नल्ली लड़की के पैर में लग चुका है। ओके, मेढक क्या भाग पाएगा? मेढक यहाँ पे चिपक चुका है। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों मेढक का खात्मा हो जाए। क्या मतलब मैं बुरा इंसान हूँ। ओ माय गॉड, ओ ये लड़की तो वैसे मेरे को साइको लग रही है। सामने की तरफ एक खुला खिड़की है, मेढक अपना भागने वाला है। ओके, ये क्या है, मेढक उसका आंख क्यों चाट रहा है? ओके, नाइस। ये लड़की एकदम गुस्सा चुकी है, मेढक पर भागने की कोशिश कर रहा। ये घमासान युद्ध मेढक और लड़की के बीच में है। मेढक ने दोस्तों मारी एक लंबी छलांग। क्या लगता है आपको कौन बचेगा? अच्छा ठीक है, मैं चिंदी कमेंट्री बंद करता हूँ। मेढक है, ये कौन सा जंप था, नाइस जंप। ओके, मेढक उतना ऊंचाई से गिरने पर भी बच गया, क्योंकि वह एक पत्ते पे गिरा है। ये मेढक कहाँ चुका है? अबे मेढक नल्ले, कहाँ गया तू? ये तो काफी कोठी बंगले वाले जगह पे आ चुका है, नाइस। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है, ये क्या है? ये तो मेढक का मेढक तंदूरी बन चुका है दोस्तों। कोई बात नहीं, मेढक तंदूरी वेरी नाइस। ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, चलो फटाफट से सेकंड फनी एनिमेशन एंजॉय करते हैं। वैसे मैं ओवर एक्टिंग ज्यादा करता हूँ। यो, ये कैसा नल्ला फ्रिज है, इसकी आंख है? ओके दोस्तों, नाइस, ये फ्रिज का आंख पैर भी है। वैसे एक सेकेंड, इस फ्रिज के अंदर मेरे को कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही। ओ माय गॉड, फ्रिज बंद नहीं हो रहा है। ओके, उसका डोर नॉब नीचे गिर चुका है, वेरी बैड हो गया ये तो दोस्तों। दोनों बहुत उदास हैं। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? अच्छा ठीक, ओवर एक्टिंग नहीं। तो ये फ्रिज काफी ज्यादा उदास है, क्योंकि उसका डोर नॉब जो है वो टूट चुका है। ये नल्ला आदमी कहीं बाहर जा रहा है, और ये क्या है, एक सेकेंड, उसके पास एक पर्ची था, द बेस्ट एज कम, पता नहीं क्या लिखा है इंग्लिश में, क्या मतलब मेरे को पल्ले नहीं पड़ रही इंग्लिश। ओके, फ्रिज काफी ज्यादा उदास है। अच्छा, तो ये फ्रिज और इंसान दोस्त हैं। अच्छे, नाइस, मतलब स्टोरी के नाम पे कुछ भी। फ्रिज, तुम्हारा सॉकेट निकल गया। आए, ये अभी भी जिंदा है? अबे ये तो सॉकेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। ये फ्रिज कहाँ जा रहा है? फ्रिज संभाल के। फ्रिज दोस्तों घर से बाहर निकल चुका है, मेरे ख्याल से वो जो है पढ़ाई करने जा रहा है बाहर, उसे IIT क्रैक करना है और फिर कोटा से ड्रॉप लेना है। ओह माय गॉड, फ्रिज तुम सैड मत हो, ब्रांड न्यू ग्रेट प्राइजेस। अच्छा, तो वो देख रहा है कि बाहर के दुनिया में कितने शानदार स्टाइलिश फ्रिज है। ओके, ये फ्रिज बहुत सैड हो रहा है, क्योंकि इसका एकदम हालत पंचर हो चुका है।
ये नल्ला आदमी घर आ चुका है पर ये काफी दुखी है। एक फ्रिज के लिए कौन इतना रोता है। ओके, तो फ्रिज जो है घर छोड़ के भाग चुका है। उसकी सारी यादें वहां से जा चुकी हैं, पर एक फोटो अभी भी उसके पास है। वहां पे एक मरा हुआ फ्रिज था। दोस्तों ये कौन सा ये प्लेनेट है जहां पे फ्रिज जिंदा हुआ करता है। ओह माय गॉड, अच्छा तो ये इंसान जो है उस फ्रिज को खोज रहा है। वो जो है इन अमीर फ्रिजों से पूछ रहा है, क्या तुम्हें पता है मेरा नल्ला फ्रिज किधर है। अच्छा, छोटे फ्रिज ने बता दिया। ये वाला फ्रिज एक कबाड़ खाने में आ चुका है। कबाड़ खाने में, यहाँ पे तो मेरे दोस्त की बुद्धि भी हो सकती है। अबे साले। ओके, सो सैड दोस्तों। एक सेकंड, मैं तो हंसने आया था, मैं यहाँ पे रो क्यों रहा हूँ। ये तो मैं गलत एरिया में आ गया। ओ चलो फाइनली एक लाफ आ चुकी है मेरे होठों पे। ओ नहीं, उसने एक फोटो को भी फेंक दिया। पर ये कितनी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। ये अपना नल्ला, मेरा मतलब सुंदर अच्छा आदमी यहाँ पे आ चुका है। वो बेसिकली बोल रहा है तुम कहाँ पे चल गए थे, भाड़ में मत जाओ। ये क्या? वो पूछ रहा है कि आपके पास ये पेपर क्या कर रहा है, कि आप नया फ्रिज खरीदने वाले हो। वो बुक खोला था क्योंकि उसे डोर नॉब लेना था। पर दोस्तों इसका अगला प्लॉट ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि ये आदमी गरीब है, इस वजह से ये नया फ्रिज नहीं ले पा रहा। ये ऐसा भी हो सकता है, पागल बना रहा है इसको। यो, उसने डोर नॉब मिला दिया। वाओ, क्या यहाँ पे इंसान भी है। ओके, उसने हमें अच्छे से दिखाया नहीं। अनॉर्मल डे इन दिल्ली। वाओ, दोनों काफी अच्छे मित्र बन चुके हैं। वेरी नाइस एनिमेशन। ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, चलो फटाफट से ये फनी थर्ड एनिमेशन को एंजॉय करते हैं। वैसे हमारे सामने इतना पेच क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से किसी का बुद्धि ढीला हो चुका होगा, तो हम लोग इसकी मदद से कस सकते हैं। ओके, यहाँ पे दो खिलौने हैं, फाइट फॉर फूड। ये क्या हो रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पे दो खिलौने हैं और ये दोनों इस पेच पे जिंदा रहते हैं। हाँ, शायद इसका यही लॉजिक है। ओ माय गॉड, ये उदास क्यों हो चुका है। बच्चे तुम्हें क्या हो गया। ओ माय गॉड, ये काफी सैड है। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत मस्त आइडिया है, जल्दी से सुसाइड कर लो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। ओके, ये हरा वाला बहुत मस्त तरीके से खा रहा है। और एक सेकंड, ये सही में सुसाइड करने चल गया। ये क्या करने वाला है, ये शायद खाने वाला है। ओ वाओ, वेरी ब्रिलियंट आईक्यू, उसने काफी ज्यादा बिग ब्रेन लगाया। हाँ, मेरा चेला है इस वजह से। यो, ये आ चुका है यहाँ पे सारे पेंच को खाने, और हरे वाले को काफी तेज आ रहा है गुस्सा। चल बे नल्ले, जल्दी से खा। क्या हो गया, ये क्या। ओह शिट, वो उसे काटने वाला है रस्सी को। ओह माय गॉड, सो सैड ब्रो। मेरे ख्याल से ये पूरा वीडियो पेंच की लड़ाई के ऊपर है। वाओ, मैं कितना वेला हूँ जिंदगी में। चलो हरे वाले नल्ले, अब तुम खा सकते हो। और ये रहा दोस्तों ऑरेंज वाला खिलौना, ये कैसे खाएगा। इसके पास कुछ और आइडिया आ रहा है। चलो यार दोस्तों, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये ऑरेंज वाला खिलौना क्या करके उस पेंच को खाएगा। ओ माय गॉड, उसने पानी निकाल लिया, क्या अब ये पानी पिएगा। ओ, उसने हरे वाले को बुलाया। हरा वाला हमेशा ये पागल की तरह गुस्सा क्यों रहता है। ओके, वो मस्त खाना खा रहा है, वो शायद अब पानी पी रहा है। हाँ, शायद वो पानी पी रहा है, या फिर हो सकता है वो मोटर ऑयल पी रहा हो।
देखिए ये नशे में क्यों है ये नशे में क्यों है, ये क्या कर रहा है बाओ। अब फाइटों की भयंकर वाली घमासान युद्ध होगा। हाँ बेसिकली मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। ऑरेंज वाला गुस्से में है और अब ऑरेंज वाला जो है हरे वाले को बुरी तरह मारेगा। नाइस। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। इतना भी नहीं मूड में आना था कि उसका कत्ल ही कर दो। हरा वाला बेचारा टूट चुका है। अच्छा मालिक कह रहा है कि नल्ले तूने बहुत गलत किया, अब मैं तेरे को कुत्तों की तरह मारूंगा। पर दोस्तों ये कौन सा खिलौना है? ओके चल खा ले। ये क्या वो नहीं खा रहा है? उसके में इतना बदलाव, उसने सारा खाना खुद ही उसे दे दिया। वो इतना सैड है। हरा वाला भी बोल रहा होगा वाओ शो क्यूट, जा भाड़ में जा मैं खुद खा लूंगा। मेरे ख्याल से अब ये लोग जिगरी दोस्त बनने वाले हैं। वाओ वेरी क्यूट। आई ओ ये अच्छा ठीक है दोस्तों ठीक है, मान गया, चिंदी हरकत नहीं करूंगा। ये दोनों लोग दोस्त बन चुके हैं, पर मैं जरा भी रिलेट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे तो दोस्त ही नहीं है। चलो यार दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको इस दुख भरी दुनिया में आज के दिन बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आप लोग बहुत बेसिकली हंसे होगे। तो चलो इसी बात पे लाइक कर दो। आज के लिए बस इतना ही। पीस।